भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। वर्णन आता है रामावतार में जितने ऋषि मुनि राघव के रूप पर दीवाने हो गए, इतने दीवाने हो गए कि ऋषि मुनि भी राम जी को देख करके सोचने लगे कि हम स्त्री बन जाएं तो हम भी राम जी के चरणों में समर्पित होकर के उनको अपना प्रियतम प्रेमास्पद बना लेते। ये भाव किनके मन में आ रहा है जिन्होंने सारा जीवन त्याग तप और तपस्या में कस करके समस्त संसार की वासनाओं को भस्म कर दिया है। वे वीतराग संत आज स्त्री भावापन्न होने लगे। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्य वासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुम इच्छन् सविग्रही। सब दीवाने हो गए, वे ही सब गोपियां बन करके आज महाराज में आए हैं। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। ओ महाभागा सुस्वागतम, आव आव देवियों मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागत किया, गोपियां गदगद भई, पर प्रश्न जब किया ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो, आने का कारण तो बताओ। सोई गोपियों का मुंह लटक गया, बंसी बजा के बुला लिया और स्वागत करके कह रहे हैं कैसे आना हुआ, ये कोई बात भाई। मुंह लटका के गोपियां कुछ न बोली। भगवान बोले समझ गया समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है, लगता है चांदनी देखने आई होंगी। गोपियों ने सिर हिला दिया, चांदनी तो कई बार देख ली। अच्छा तो लगता है पतदेव से खटपट हो गई होगी, सो झगड़ा करके मेरे पास भगे आई, गलत बात, जाओ पति की सेवा करो। गोपियों ने सिर हिला दिया, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, काय को प्रवचन दे रहे हो, कोई लड़ झगड़ के थोड़ी आई है, फिर क्यों आई हो। अच्छा मुझसे बहुत प्रेम करती हो इसलिए मुझसे मिलने चली आई, ऐसा भी व्यवहार ठीक नहीं है। अरे तुम तो प्रेम में मुझसे मिलने चली आई, पर परिवार के लोग तो परेशान हो गए होंगे, रात में बहू कहां भग गई, दोबारा जाओगी तो घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, बदनाम अलग हो जाओगी, इसलिए जाओ घर में ही अपने पति की सेवा करो, ऐसे घर परिवार छोड़ के रात में भागना कोई अच्छी बात है। जब ऐसे कड़वे कड़वे वचन बोले तो गोपियों का तो एकदम मुख खिन्न हो गया, उदास हो गई, और सबने मिलके कहा बहन इनको जवाब देना पड़ेगा। और तब गोपियों ने डूब करके एक गीत के माध्यम से गोविंद को उत्तर दिया और उनसे प्रेम की याचना करी, इसलिए इस गीत को कहते हैं प्रणय गीत। गोविंद से प्रेम की प्रार्थना गोपियां इस गीत में कर रही हैं। मैवं विभोरति भवान् गदितुं न संशम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां बोली हे प्यारे, हम आपके लिए सारा संसार त्याग दिए, संसार के सारे संबंध त्याग दिए, कोई हमसे क्या कहेगा, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, कोई हमें घर में घुसने देगा, कोई परवाह नहीं। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, किंतु आप जब से हम आई हैं एक ही बात बोले जा रहे हो, चली जाओ लौट जाओ भाग जाओ, क्या सचमुच हमारा आना आपको इतना बुरा लगा? यदि आपको बुरा लगता है तो हम तुरंत लौट जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रेम तत् सुख सुखित्वम, आपके सुख में ही हमें अपना सुख दिखता है। हमारे आने से आपको सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, तो हम अपने सुख के लिए आपके पास मिलने थोड़ी आएंगे। गोपियों का यही दिव्य प्रेम है। भगवान बोले तो बोल तो रहा हूं और कैसे कहूं, जाओ अपने घर, प्रत्यात ततो ग्रहान, कह तो दिया मैंने। गोपियों ने कहा अच्छा ठीक है आप कह रहे हो, तो एक काम करो, देखो एक बात बताएं, अहेरे वगते प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत, प्रेमियों की जो वाणी और व्यवहार है ना बड़ा वक्र होता है, वक्र माने टेढ़ा, जैसे सर्प चलता है तो सर्प की चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है,
ये निर्णय करना कठिन होता है ये किधर जाएगा। घूम घूम के लहरा लहरा के चलता है तो उसकी गति समझ में नहीं आती कि दाएं बाएं या सीधे किधर जाए। उसी प्रकार प्रेमियों का वाणी व्यवहार वक्र होता है, पल्ले नहीं पड़ता ये क्या चाहता है। व्यवहार में भी देख सकते हैं, गोपियां बोली यदि आप सचमुच हमको भगाना चाहते हो तो हम भी भगी जाती हैं, पर क्या करें पैर ही नहीं चल रहे घर की तरफ। भगवान बोले क्यों, क्या हो गया पैरों को? बोले प्यारे बंसी बजा के मन तो आपने चुरा लिया, आज जब मन ही नहीं है हमारे पास तो बिना मन के ये तन घर की तरफ जाएगा कैसे? बिना मन के तन में कुछ नहीं होता, तन मन के अनुसार चलता है। आप यहां शरीर से बैठे हैं, तन से बैठे हैं, और मनीराम जी यदि बैठे बैठे दुकान का हिसाब लगाने लग जाए तो आप बैठे रहो सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला कि क्या कथा भाई, क्योंकि मनीराम जी कहीं और घूम रहे हैं। बिना मन के न कान काम करेगा न हाथ पैर काम करेंगे। तो गोपियों ने कहा जब बंसी बजा के मन आपने अपने पास चुरा के रख लिया तो ये तन घर की तरफ जाए कैसे? पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलात। भगवान बोले तो योग बल से तुम्हें घर घर पहुंचा दूंगा, तब तो पधारोगी। गोपियां बोली करवाम किंबा, शरीर को घर पहुंचा भी दिया तो घर जाके क्या करेंगी? बिना मन के तो घर के भी काम कुछ नहीं होने वाले। गोपियों की ये प्रेम भरी हृदय की दिव्य भावना को देखकर सुनकर भगवान गदगद हो गए और प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत। बड़ी जोर से ठाकुर जी हंस पड़े और राधा रानी भी अब तक नहीं आई थी इसलिए भगवान इधर उधर की बहकी बहकी बातें कर रहे थे। और जो राधा रानी का दिव्य दर्शन हुआ, ठाकुर जी एकदम मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े और हंसते ही उनके हृदय के प्रेम को प्रकट देख करके गोपियां भी गदगद हो गईं। और जितनी गोपी थी उन सबके साथ भगवान ताता थैया करके रास विलास प्रारंभ कर दिए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवि स्तनाल वन नर्म नगाग्र पादई। आ गया कामदेव, चला दिए बाण, कामदेव के पांच बाण, वशीकरण उच्चाटन मोहन स्तंभन उद्दीपन, सारे बाण काम ने चलाए और सारे बाणों को भगवान ने काट दिया। किसी बाण का भगवान के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम जब बाण चलाता है ना तो मन को मत डालता है। कामदेव का नाम है मनसिज, ये मन से ही पैदा होता है। जितने भी विकार हैं वो मन में ही तो होते हैं। तो काम जो विकार रूप में है वो भी मन से ही उत्पन्न होता है और मन से ही माधव का चिंतन होता है। तो सब गोपियों का मन माधव से जुड़ गया है, इसलिए काम आया, प्रभाव दिखाया पर कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लज्जित होके शर्मिंदा होके प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और पकड़ के भगवान ने कामदेव को ऊपर लटका दिया। वही पराजित कामदेव भगवान का फिर पुत्र बन करके द्वारका में प्रद्युम्न नाम से जन्म लेके प्रकट हुआ। कामदेव के अवतार भगवान के प्रथम पुत्र हैं प्रद्युम्न, रुक्मिणी नंदन। कामदेव को पराजित कर दिया भगवान ने महाराज में, क्योंकि कामदेव को सबसे बड़ा अभिमान था। ब्रह्मा जी को मैंने सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भोले बाबा शंकर को मैंने मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, नारद जैसे संत को मैंने सुंदर से बंदर बनवा दिया। ऐसा संसार में अब कौन देवता और महात्मा है जो मेरे सामने टिक सके? तो भगवान ने कहा अच्छा इसको ज्यादा गर्मी आ गई तो आओ मैदान में। तो महारास में अनंत ब्रज सुंदरियों के साथ ताता थैया कर करके नाचते हुए कन्हैया पर कामदेव ने पूरी ताकत झोंक दी, पर कन्हैया के मन में कोई भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर पाया तो बेकार हो गया और चरणों में गिर गया और भगवान ने पकड़ के ऊपर लटका दिया। अब तुम जरा सावधान रहो, क्योंकि अहंकारियों का अहंकार तोड़ने के लिए ही तो भगवान आए। कामदेव का सारा अहंकार विखंडित कर दिया। पर जैसी नाचने लगे कन्हैया ब्रजांगनाओं के बीच तो गोपियों को सौभाग्य मद आ गया।
है कोई संसार में हमारी बराबरी करने वाली, चाहे ब्रह्माणी हो चाहे रुद्राणी हो, कोई भी हो, हमारी समता कोई नहीं कर सकती, क्योंकि त्रिभुवन पति कृष्ण आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। और जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं। राधा रानी के भीतर तो मान आया, मान तो प्रिया प्रीतम के बीच में सम्मान का स्थान रखता है, मान माने रूठना मनाना, तो प्रेमी युगल में ये तो चलता है, रूठना मनाना तो ठीक है, क्योंकि मान करने पर अभिमान नहीं होता। मान का मतलब प्रियतम पर दृष्टि, हमारा प्रेमी हमें ना देखकर हमारे स्थान पर किसी और को निहारने लगे बार बार, तो प्रेमी को बर्दाश्त नहीं होता, असह्य हो जाता है, इसका नाम है मान, रूठ गए, नाराज हो गए। एक गोपी गोविंद से इसी मान में कहती है, बंसी बारो सांवरो पलक ढांक तो ही ले हूं, और ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे हूं। हे बंसीवारे कन्हैया, तुझे मैं अपने नयन पलकों में छुपा करके रखना चाहती हूं, आंखों में बंद करके। क्यों? बोले मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, आंखों में आप बंद हो जाओगे, तो आपको मैं निरंतर निहारती रहूंगी, आप मुझे निहारते रहोगे, पलकों के भीतर छुपे रहोगे तो मेरी पलकें बंद, मैं आपके अलावा किसी को देख ही नहीं पाऊंगी, और आप मेरी पलकों में बंद इसलिए मेरे अलावा आपको भी कोई नहीं देख पाएगा। ये है प्रेम की पराकाष्ठा, जहां तीसरे का कोई स्थान नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए, दूसरा कोई नहीं। तो राधा रानी रूठ गई कि मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से समान रूप से कर रहे हैं, तो मान करके रूठ के बैठ गई। तो माननी राधा रानी को मनाने के लिए माधव किशोरी जी को साथ में लेके अंतर्धान हो गए रास मंडप के बीच से। गोपियां तो गोविंद के विरह में व्याकुल होकर बेचैन होकर बन बन में वृक्षावलियों से भी भगवान का आर्त होकर पता पूछने लगी, ढूंढने लगी, अन्वेषण करने लगी। और इधर भगवान निवृत्त निकुंज में एकांत में किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं, उन्हें विविध भांत मना रहे हैं, रिझा रहे हैं। रसिकों ने देख ही लिया, भगवान तो छुप करके रिझा रहे थे, राधा रानी को मना रहे थे, पर रसिकों ने देखते ही यह रहस्य खोल दिया कि देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। हमने राधा रानी के चरण पलोटते हुए प्रभु रसिक शिरोमणि चौर चौर जार सिखामणि, भगवान को हमने देख लिया, ढूंढ लिया। अंत तो गत्वा राधा रानी बोली, प्यारे मैं बहुत थक गई हूं, अब आपके साथ आगे नहीं चल पाऊंगी। भगवान बोले, स्कंध आरुह्यताम, प्यारी जी हमारे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको कंधे पर लेके चलूंगा। किशोरी जी राजी हो गई, और जो कंधे पर बैठने को कदम उठाया कन्हैया वहां से भी अंतर्धान हो गए। अब तो किशोरी जी भी एकदम मूर्छा में गिर पड़ी, पग चिन्ह देखती सखियां आ रही थी। राधा रानी को जब मूर्छा में पड़ा देखा, तब सखियों ने उनको संभाला और कृष्ण नाम ध्वनि संकीर्तन करके सावधान किया। और तब किशोरी जी के साथ सब सखियां मिलके यमुना तट पर आईं, और यमुना की रेती में यमुना तट पर बैठ करके गोपियों ने आर्त होकर के गोपाल को पुकारा। इसी गोपियों की पुकार का नाम गोपी गीत है। आइए दो चार श्लोकों में हम गोपी गीत के इस रस का श्रवण करें।